अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबाजार प्रोग्राम, मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम दो बुनियादी नुकात पर बात करेंगे। पहला नुकता कि बैनुल अक्वामी मंडी में 60 से 65% तेल की कीमतें कम हुई और पाकिस्तान को एक साल के अंदर $4.5 अरब का फायदा हुआ। सो $4.5 बिलियन की सेविंग हुई पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को। लेकिन इस सेविंग के बावजूद, इस बचत के बावजूद, हमने तकरीबन 4.2 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स का नुकसान किया है। जरदारी साहब का दौरे हुकूमत जब खत्म हुआ था तो पाकिस्तान की सालाना एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर थी, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 3 बरस गुजरने के बाद हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 20.8 अरब डॉलर की हैं। तो हमने क्या खोया और क्या पाया? अगर हमने इतनी बड़ी भारी बचत की थी तो हमने उस बचत को गंवा क्यों दिया? क्या इसमें हमारे इदारों की नाकामी है, ना अहली है, या पुअर पॉलिसीज हैं? इसके हवाले से मुजम्मिल असलम का नुक्ते नज़र आप तक पहुंचाएंगे और उनका एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में व्यूअर्स हम बात करेंगे कि सिंध के लॉन्गेस्ट सर्विंग वजीर आला जनाब कायम अली शाह साहब ने ऑफिशियली अपना इस्तीफा जो है वो पेश कर दिया गवर्नर साहब को। अब सिंध की जो नई डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? यहाँ पर कराची के अंदर जो बुनियादी मसाइल हैं, कचरे के, पानी के हवाले से जो बहरान है, उस पर उनका नुक्ते नजर नए वजीर आला का क्या होगा? मुराद अली शाह क्या नई पॉलिसीज लेकर आएंगे? करप्शन, गवर्नेंस और इसके अलावा ना एली के हवाले से जो टैग लगता है पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के साथ, उसके हवाले से उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? कभी ना कैसी बनाएंगे? जो बड़े मंसूबों का उन्होंने आगाज किया है वो 20 से 22 माह में मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं? डिलीवरी और कारकर्दगी कैसी होगी? और सबसे अहम नुकता कि बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियारात और फंड्स वो दे पाएंगे या नहीं, और कितने बाख्तियार होंगे? दिस इज मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि वो कितने ऑटोनोमस, कितने बाख्तियार वजीर आला होंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, और व्यूअर्स ये दोनों अहम नुक्ते हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और जिसमें ख़ास तौर पर एक नुक्ता बड़ा अहम है कि तेल की कीमतें $110 से तकरीबन $25 से $30 पर बैरल के आसपास रहीं। अभी भी हम देख रहे हैं $35-36 पर बैरल पर मौजूद हैं, और इन तेल की गिरती हुई कीमतों की वजह से पाकिस्तान को बचत हुई $4.5 अरब की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7.6 अरब डॉलर का हमारा ऑयल का इंपोर्ट बिल रहा है। पिछले साल 12.16 अरब डॉलर का ऑयल इंपोर्ट बिल रहा। सो हमने $4.5 अरब की बचत की है। सो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए ये बहुत बड़ी बचत है और बहुत बड़ी सेविंग है। लेकिन उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के साथ, तो जरदारी साहब जब अपना दौरे हुकूमत ख़त्म कर रहे थे जून 2013 में, तो उस वक्त जो एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन $25 अरब थी। तो ये माली साल 2015-16 जून में जब एंड हुआ है तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं $20.8 बिलियन, यानी 4.2 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो छूमंतर हो गई। तो पॉइंट ये है कि $4.5 अरब हमने तेल में बचत की, लेकिन 4.2 अरब डॉलर हमने एक्सपोर्ट्स में गवा दिया। सो ये कॉन्ट्रास्ट क्या दुरुस्त है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स की जो पॉलिसीज़ हैं, ओवरऑल हमारी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ हैं ट्रेड से रिलेटेड, वो दुरुस्त नहीं थी, इसी वजह से हमने एक्सपोर्ट्स में इतना बड़ा जो घाटा है वो हमने देखा है। तो ये एक्चुअली है क्या? हमने बेहतर तौर पर इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है मुसलसल गिरती जा रही हैं। हमें बेहतर तौर पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए और वैल्यू एडिशन पर फोकस करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब हमें नज़र नहीं आया। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुजम्मिल असलम पाकिस्तान के मायनाज माहिरे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं और देखेंगे कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। सर ये बताइए कि $4.5 अरब तो हमने तेल में बचत की है, जो कि हमारे लिए ठीक ठाक एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज है, और पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में कोई भी बचत, चाहे ₹1 की बचत हो, हमारे लिए ठीक ठाक वो बचत है। लेकिन दूसरी तरफ वही बचत जो हम तेल से करते हैं वो हम एक्सपोर्ट्स में गवा देते हैं, ये क्या है सर? लगता है आपने आज हुकूमत से कुछ सेटिंग की है जो उनकी फेवर में बात कर रहे हैं आप। $4.5 अरब तो ये हिसाब बता रहे हैं, ठीक है,
ऑयल की कीमत जो है 2/3 गिरी है, दो तिहाई गिरी है, $110 से $40 पे आया, तो उस हिसाब से तो आपका टोटल इम्पोर्ट बिल $4.5 अरब होना चाहिए था, $6.5 अरब नहीं। ठीक है, तो हम दोनों में मिला ले मेरा, ठीक है ना, तो $9 अरब कर रहे हैं आप, आज बड़ी फेवर कर रहे हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है। तो पहली बात तो ये कि हमने अपनी जरूरत से ज्यादा इम्पोर्ट क्यों किया, हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, हमने कहा जी सस्ता आ रहा है तो चलो जी एक की जगह 1.5 मंगा लो, तो पहले तो हमने अपनी कौम का यहाँ नुकसान किया, 6-6.5 अरब डॉलर की बचत होनी चाहिए थी जो $4.5 अरब, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारा इन प्रिंसिपल डिसाइड हो गया था कि हमने तेल पे अपना दारोमदार कम करना है ताकि हम बिजली पे आए, मतलब हम कोयले पे आए, हम पानी पे आए और LNG की जो हम बात कर रहे थे उस पे आए, ताकि हम तेल पे दारोमदार कम करें और कौम को बचत की तरफ लेके जाएं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पहले से ज़्यादा तेल मंगा रहे हैं तो हमने तेल पे अपना दारोमदार कम करने की जगह बढ़ा दिया, ठीक है। ये बहुत ही मनफी खबर है, जब $100 पे तेल जाएगा तो खुद ब खुद हम देखेंगे कि हमारा इम्पोर्ट बिल फटने लग जाएगा। दूसरी बात ये कि आपको एक बात क्लियर नज़र आ गई कि जब तेल की कीमत सस्ती हुई तो पाकिस्तान की, उस वक्त हम कहते थे कि मईशत ये एक्सपोर्ट्स का पहिया इसलिए नहीं चल रहा कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली यहाँ पर पैदा हो रही है, तो असूली तौर पर आपकी एक्सपोर्ट्स घटने की जगह बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जब तेल सस्ता हुआ तो बिजली सस्ती होनी चाहिए थी, जब बिजली सस्ती हुई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती होनी चाहिए थी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती हो तो आपकी एक्सपोर्ट जो है बढ़ जानी चाहिए थी। तो ये कम होने का मतलब ये है कि या तो हमारे कोई सिस्टम में या हमारे एक्सपोर्ट्स के जो निज़ाम में बहुत खामियां हैं जिसकी तरफ हुकूमत ने तवज्जो। सर मैं खामियों पे आता हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि $6 अरब हमारा नुकसान हुआ है तेल की बचतों में, एक तरफ जो इनफैक्ट हम इंटरनेशनल जो बैन अलावा मंडी में जो कीमतें कम हुई $4.5 अरब वो, और $2 अरब तकरीबन जो हमने ज्यादा एक्सेसिव हमने इम्पोर्ट कर ली फूड में या दूसरे आइटम्स में, वो हमारा इम्पैक्ट पड़ा। मैं तो सर 6 अरब डॉलर ये और $4.5 अरब जो हमने एक्सपोर्ट्स में गवाया, तो सर ये तो $10 अरब का नुकसान है। बिल्कुल है, आपका जो तो है $10 अरब हमने गवा दिया। बिल्कुल, अब आप ये देखें ना कि आपने अगर टोटल इम्पोर्ट की बात करें, आप बॉटम लाइन की बात करें, ठीक, आपने सिर्फ $1.5 अरब की बचत की, तो इसका मतलब आपकी अदर इम्पोर्ट भी बढ़ गई, तेल से $4.5 अरब बचाया और लेकिन आपकी टोटल इम्पोर्ट बिल जो है $1.5 अरब से कम हो, यानी $3 अरब आपने कहीं फजूल खर्ची की। अगर उस पर अगर आप नज़र डालें तो पहले तो ये है कि जो मुल्क में हमारी जो कपास का बेड़ा गर्क हुआ, $700 मिलियन की हमने कपास इम्पोर्ट की, कहाँ ये एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क आज इम्पोर्टर बन गया कपास का। बिल्कुल ठीक, पहली बात तो ये हमारे मतलब इससे बड़ी जिसे कहते हैं ना कि बदनसीबी नहीं होगी कि हम जिस चीज़ से जो है हमारा जो मुल्क चल रहा था उसको हम इम्पोर्ट करना, तो कपास को इम्पोर्ट करके भी हमने ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क 25 साल की लोएस्ट ग्रोथ आई है, -0.9%। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि जी मशीनरी इम्पोर्ट्स इसमें बढ़ गई, उसमें मैं थोड़ा सा चले हुकूमत को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मशीनरी इम्पोर्ट फ्यूचर में आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ $600 मिलियन बढ़ी है, ठीक है ना, वो पावर प्लांट आ रहा है या सीमेंट प्लांट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, चले मुल्क में एक्सपेंशन है कि मुल्क में कारोबार में या इंडस्ट्रियलाइजेशन में पैसा लग रहा है, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि उसमें आया गया कहीं, अगर लोगों ने घरों के जनरेटर मंगा लिए और लोड शेडिंग का मसला नहीं हो तो वो भी मतलब फिर बेकार इम्पोर्ट रही मशीनरी इम्पोर्ट है ना। तो आप ये देखें कि हमें दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है कि हमने जो है मतलब इम्पोर्ट हमारी $1.5 अरब से हुकूमत ने अपनी तरफ से तो बढ़ा दी हमारी इम्पोर्ट, और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स जो है मतलब मैं खुद हैरान हो गया कि 2013 में हमारी 24.5 अरब डॉलर थी और 2015 में हम जो है $20 अरब पे आ गए। मुझे अच्छी तरह याद है ये जो 20-25 का प्लान इन्होंने दिया था उसमें आपकी $1 अरब की बातें कर गए, तो मैं उस वक्त भी आपके साथ भी प्रोग्राम किए थे कि एक्सपोर्ट आपकी होती है एक्सपोर्टेबल सरप्लस से, मुल्क में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से, ये कागजों में बगैर किसी मिनिस्ट्री से और ये सिर्फ शोशे वाली एक्सपोर्ट हमेशा से हमें आसरा दिया, पाकिस्तान का सिस्टम निज़ाम ही नहीं है कि जिसमें हम एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट। तो सर ये मुझे बताएं, ये जो $10 अरब जो हमने गवा दिया, ये आप समझते हैं कि इसमें
दो तीन एरियाज में मुझे इसको एनालाइज करके बताएं कि क्या हमारी पॉलिसी बेहतर नहीं थी, या जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनमें जान नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है, या हमारे इदारे ही निकम्मे हो चुके हैं। चाहे आप टी टैप की बात कर लें, चाहे दूसरों की बात कर लें, या कमर्शियल काउंसलर जो दुनिया के दूसरे ममालिक में बैठे हैं जो कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करते हैं कि यहाँ से हमारा एक्सपोर्टर अपने बायर तक अपनी तमाम मसनूआत को कैसे पहुँचाए, तो आप समझते हैं कि इदारे निकम्मे हो गए हैं, कैपेसिटी नहीं है, या टीम मियाँ साहब की अच्छी नहीं थी कि $10 अरब मुल्क को नुकसान हो? देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारे मुल्क में प्रिडिक्टिंग पावर नहीं है और हमारे मुल्क में आने वाले दिनों की जो है प्लानिंग नहीं है। ये हर चीज़ को एज्यूम करके चलते हैं कि जो आज है वो हमेशा रहेगी। मिसाल के तौर पे जो $110 ऑयल है वो उसको लेके चलते रहे, नीचे आ गया इनके वहमो गुमान में नहीं था, अब ये $40 के ऑयल को लेके चल रहे हैं, ऊपर जाएगा तो वे कह देंगे कि जी ऑयल बढ़ गया, ठीक है ना। तो हमारे मुल्क में कभी भी दुनिया जो दुनिया में होता है सर जोड़ के बैठते हैं कि ये चीज़ का इम्पेक्ट इस चीज़ पर आ सकता है, ठीक है ना। तो हमारे मुल्क में जब वो आफत नाजिल हो जाती है और वो जब नंबर्स में आ जाती है और जब आप जैसे एंकर्स उसको कर रहे होते हैं, उसके बाद याद आता है वो अभी तो ये इस पर बात करनी है चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। छोटी सी मिसाल है, कराची में कचरे का ढेर है, ये अभी ये जो रेंजर्स के अख्तियार की बात है, रेंजर्स के अख्तियार, रेंजर्स एक्सपायर होने के बाद क्यों याद आता है कि देने के नहीं देने? पाकिस्तान को $10 अरब का फ़ायदा अगर सरदारी दौर में होता जब ऑयल प्राइसेस $110 पर बैरल पर थी, तो आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी सेविंग थी उस दौर में और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता इकॉनमी पे, बजाय इसके कि आज जब ऑयल नीचे चला गया है, तो इसका इसका मवासना, इसका कंपैरिजन आप कैसे करते हैं? आप समझते हैं जरदारी हुकूमत को माइनस करूंगा कि जरदारी हुकूमत में रिलेटिवली ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता? नहीं, मैं इसकी जरदारी हुकूमत को माइनस करूंगा, उससे एक साल पीछे जाऊँगा, ठीक। इसी तरीके से $18-20 अरब हमारे फॉरन एक्सचेंज रिजर्व से, और मुशर्रफ की हुकूमत बहुत अच्छी जा रही थी, ठीक, और सब चीज़ें मिल रही थी और सब काम हो रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, वो अपनी तरफ से मुतमिन थे, लेकिन आगे की प्लानिंग नहीं की थी कि तेल अगर इस तरह बढ़ गया तो क्या होगा। और सितंबर 2007 से लेके अप्रैल 2008 तक जो है ऑयल जो है $50 से $148 पे पहुंचा था, जो मुशर्रफ साहब ने 7 सालों में पैसे जमा करे थे, मतलब $6 अरब से $18 अरब वो सारा 7 महीने में वो बराबर हो गए थे, ठीक, और पाकिस्तान सीधा IMF प्रोग्राम में चला गया था। तो ये माजी से सबक नहीं सीखते, ये वही ब्यूरोक्रेट्स, वही फाइनेंस सेक्रेटरी, वही सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये पहले भी देखा हुआ है, तो इससे इनसे ज़्यादा अकलमंद तो हम और आप हैं, कभी जो मार खाते हैं उसे सीख के जो है अपने आप को बचाते हैं। तो ये जो है सबक नहीं सीखते और ये समझते हैं कि जी सब कुछ गिवन है और सिर्फ 2018 तक के लिए दुआएं करेंगे 2018 तक ये हो तो ताकि हम उसका ढोल बजा सकें। ये कौम के लिए नहीं नंबर आते, ये सिर्फ अपने लिए आते हैं। तो मैं बड़ा मुझे मतलब मैं कॉम्पिटेंसी को जो है ना, और कॉम्पिटेंसी नॉट मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, ब्यूरोक्रेसी की बात करूँगा और जो ये सिस्टम को चलाते हैं उनकी कॉम्पिटेंसी। प्रायोरिटी का क्या मतलब, हर चीज़ इस वक्त इतनी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान में, हर चीज़ प्रायोरिटी है, इतना पीछे कर दिया है सिस्टम को, मतलब लैक ऑफ प्लानिंग और डिले कि हर चीज़ प्रायोरिटी है। आप ये नहीं बोल सकते कि इस चीज़ को रोक के इस चीज़ को कर। सर एक इसका पर्सपेक्टिव ये भी है कि ठीक है आपने ऑयल प्राइसेस का बेनिफिट अवाम को पूरी तरह नहीं दिया, आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट करना चाह रहे हैं। मेरे साथ दिया है तो देखिए, मैं दुनिया के मुकाबले में यहाँ पे एक बात बोलूँ, वो दिया है इन्होंने, दुनिया में जो है तकरीबन 100% किसी ने डोमेस्टिक प्राइस कम नहीं, लेकिन सर दूसरे टैक्सेस बढ़ा दिए ना। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक देखें पेट्रोल की बात करता हूँ मैं, वो इन्होंने दिया है वो, लेकिन अपनी मजबूरी पे दिया के पॉलिटिकल प्रेशर्स थे और फिर उसमें जी आवाम को आवाम पर, लेकिन सर नेट इफेक्ट आप देखेंगे, वेस्ट किया ना पेट्रोल तो देखें ऑयल इंपोर्ट में बहुत छोटा कंपोनेंट है सर, मार्केट के साथ नेट इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो जो बेनिफिट आपने 2 रुपया या 5 रुपया पेट्रोल कम किया है, दूसरी तरफ टैक्स अगर 5 या 7% बढ़ा दिया है, इवन हम देखें जो सेल्स टैक्स है, जो पेट्रोलियम लेवी है पेट्रोल डीजल पर, मट्टी के तेल पर, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट तो जीरो हो गया ना। लेवी तो देखें ना, मुझे 120 का मिलता था 65 का मिलता है, चाहे लेवी 200% बढ़ाने के बाद भी मुझे 65 में मिला तो मुझे तो 50 रुपये नीचे मिला है ना। आप इस तरह देखें इसको, मैं एक साल पहले 120 का लेता था, आज 65 में ले रहा हूँ, बेशक लेवी 100% बढ़ा दिए, ठीक, मुझे तो 65 का मिला ना। तो आप कह रहे हैं बेनिफिट मिला, दिया है ये, इस पे देखें, इस पे गलत बात नहीं होगी क्योंकि दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा दिया, ठीक है, बट ठीक है, लेकिन वो मजबूरी के तहत दिया। और पेट्रोल आज भी मैं एक बात बता दूं, पेट्रोल टोटल ऑयल इम्पोर्ट का एक छोटा हिस्सा है, ठीक,
वो जो आम आवाम को दिया, जो सबसे बड़ा जो मेरे और आप पे आजाब आता है वो एक डीजल की शक्ल में आता है, एक फर्नेस ऑयल जो है, फर्नेस ऑयल भी सस्ता किया लेकिन बिजली चोरी हो रही थी। तो बिजली देखिए, मैं एक यही बात कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान का आप रहा सा मसला सारा, पाकिस्तान की लाइफ लाइन बिजली पे आके खड़ी हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हम उस पर एक इंच मूव नहीं करे, सिर्फ हम जो है ना वो एलो आईज जो दिए हुए, ये बन रहा है साहिवाल में, बन रहा है उधर, बन रहा है उधर, बन रहा है ये हो रहा है, लेकिन उसका कहीं पे एडवांटेज नजर नहीं आया। तो सर आज आज हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं, सितंबर में हम आईएमएफ को बाय बाय करने की बातें कर रहे हैं, तो ये 10 अरब डॉलर अगर हम पहले बचा लेते और ये जो पैकेजेस हैं हम पहले साल या दूसरे साल हार्श रिफॉर्म्स ला के ले आते, तो आप समझते हैं कि आज हम इनको शायद अगर ये प्रोग्राम हो रहा है तो इलेक्शन की तैयारी नहीं करने देगा। ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट्स लिखेगा कि यहाँ वॉयलेशन, ये टारगेट पूरा नहीं किया, ये टारगेट पूरा नहीं किया, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं किया। अब हुकूमत पहले 3 साल 4 साल होते हैं हमेशा से आवाम को पीटती है और आखिरी साल होते हैं रिलीफ के। बिल्कुल सही। अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बिजली की कीमत मजीद बढ़ाएं, अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी जो है प्राइवेटाइज करके जो है सरकारी मुलाजिमों को घर भेजें। ठीक है ना, इसलिए आप देख रहे होंगे कि इन प्राइवेटाइजेशन की बातें भी स्लो हो गई हैं। तो आईएमएफ का प्रोग्राम सर अगर खत्म होता है तो आप समझते हैं वो पॉलिटिकल मोटिव्स की बेसिस पे होगा, वो रिफॉर्म्स या इकोनॉमी की बेस पे नहीं होगा? मतलब आपकी इकोनॉमी सीधी नहीं हुई जो आप जो समझ रहे हैं कि आप आईएमएफ को टाटा कर देना चाहिए। ठीक है ना, और आप वहीं से जो है फैमिली सिल्वर बेच के पैसे पूरे करेंगे या मजीद कर्जे के एवेन्यूज इधर उधर से बना के करेंगे, या आपने 23 अरब डॉलर तक इतना राशन डाल दिया, आपको पता है कि जी 18 तक काम मेरा गुजर जाएगा, तो मैं 18 जो है ना पीसफुली गुजारूं और मुझे कोई रोकने वाला ना हो। तो सर कल अगर हम प्लान कर लें और प्रीएम्प्ट कर लें ऑयल प्राइसेस को कि अगले 5-6 साल में ये दोबारा ऑयल स्पाइरल का इंपैक्ट नहीं आएगा, तो आप समझते हैं 4-5 अरब डॉलर हम अगले साल के लिए बचा सकते हैं? अगर कल बचा सकते हैं, आज भी बचा, आज के दिन का भी जो अगर 45 डॉलर ऑयल है तो आज के दिन की भी बचत है, लेकिन उसको इस्तेमाल सही तरह कर लेना। ठीक है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्लानिंग नहीं कर रहे और बेजा तरीके से टैक्स इस तरह लगा रहे हैं कि टैक्स मिल जाए, ये नहीं देख रहे कि उसका इकोनॉमी में इंपैक्ट किया है, आम आदमी की जिंदगी में इंपैक्ट किया है और ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में क्या इंपैक्ट है। तो बेजा लगा देना और फिर उसके बाद बैठ के जो है बस फिर वो राउंड ऑफ टॉक। तकरीबन 10 अरब डॉलर का ये जो नुकसान हुआ है, 4.5 एक्सपोर्ट्स में और 6 आप जो कह रहे हैं इम्पोर्ट्स में, तो 10 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है, वन वर्ड आंसर, ये किस चीज का निकम्मा पाना है? पॉलिसी का फुकदान है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखें, अगर आपकी फाइनेंस मिनिस्टर की कॉमर्स मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर कॉमर्स मिनिस्ट्री की अगर मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन से, मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की अगर वाटर एंड पावर बोर्ड से, और वाटर एंड पावर की अगर पेट्रोलियम से कनेक्शन नहीं है तो आप कभी भी कोई चीज़ नहीं बना सकते। ठीक है, तो मुजम्मिल साहब, ये जो ऑयल इम्पोर्ट्स की ये जो बैलेंस शीट है हमारे सामने जो मौजूद है कि पिछले साल में हमने क्या इम्पोर्ट किया, किस सेक्टर में किया, आप समझते हैं कि अपोजिशन जमातों को खास तौर पर असम्बली में, सेनेट के अंदर इस पर थॉरली डिबेट होनी चाहिए कि जी पावर सेक्टर में आपने ज़्यादा इम्पोर्ट्स क्यों नहीं की, प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्यों नहीं जनरेट की, फूड में क्यों ज़्यादा इम्पोर्ट्स कर ली, आप ज़रई मुल्क हैं और ये बचतें आपने क्यों नहीं की, आप समझते हैं इस पर थॉरली डिटेल में डिबेट्स होनी चाहिए? उनका पास टाइम ही नहीं है देखने का, वो डिबेट क्या करेंगे, उनके पास तो मतलब डे एंड पे हम जो आज भी देखते हैं पनामा लेके बैठे होते हैं, या फिर कभी जो है अपने जाके रोज बैठते हैं डेवलपमेंट फंड मांगते हैं, इलेक्शन आ रहा है जी हमें डेवलपमेंट फंड, उनके पास टाइम नहीं है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्यों गिर रहा है, नंबर्स भी नहीं है उनके पास, कैपेसिटी भी नहीं है। ठीक है, तो मैं बजट में भी एक बात बोली थी कि ये जितने सारे सेशन बजट सेशन होता है किसी एक ने बजट खोल के नहीं देखा होता, उन्हें पता भी नहीं होता कि करंट अकाउंट क्या होता है, करंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस भी नहीं पता होती, बस बैठ के ये करते हैं, चीखता है एक ग्रुप ये सर 10 अरब डॉलर का 2015-16 में नुकसान हो गया और हम सुकून से बैठे हैं, ये बड़ा अलमिया है। आप सुकून में मीडिया बैठे, हम तो नहीं बैठे, हम तो बेचैनी रहते हैं, हमारा काम तो बेचैनी। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे हमारे साथ मौजूद थे मुजम्मिल असलम, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुना और वो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है और इस हवाले से थॉरली डिबेट्स की भी जरूरत है, लेकिन अगेन प्रायोरिटीज़ का इशू है। कराची के अंदर सस्टेनेबल बुनियादों पर अमन किस तरह बहाल होगा, इस हफ्ते हमने देखा कि 2 फौजी जवानों की हलाकत हुई, टारगेट किलिंग का वो शिकार हुए और एक बार फिर सवालिया निशान आया है कि क्या हम वाकई कराची के अंदर अमन बहाल कर पाएंगे। हमने वो बुनियादी रिफॉर्म्स लाई हैं पुलिसिंग के अंदर जो हमें लानी चाहिए थी, रेंजर्स के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से क्यों नहीं उनको बेहतर तौर पर कोई ऐसा फ्रेमवर्क
बना के देती सूबाई हुकूमत के, जिसमें वो बेहतर तौर पर काम कर सकें आइन और कानून के दायरे के मुताबिक। इनकी फौजियों की हलाकत होना एक बड़ा सवालिया निशान है और सवाले से कराची में दोबारा से पैनिक और अनसर्टेनिटी भी हमें नज़र आई है। दूसरा अहम नुकता ये भी है कि वज़ीर आला सिंध जो तीन बार वज़ीर आला रहे हैं पिछले तकरीबन तीन दहाइयों से, पीपल्स पार्टी की तीन जनरेशन्स के साथ उन्होंने काम किया है, और लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नेंस के हवाले से, जो करप्शन और नाअहली के हवाले से बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ मुंसलिक की गई, जिसमें काफ़ी हद तक सदाकत भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि नया वज़ीर आला जब फ्राइडे के रोज़ आएगा तो वो क्या जो बुनियादी चैलेंजेस हैं सिंध के अंदर, इसकी इकॉनमी के हवाले से, इसकी गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से, और फिर अहम बात ये कि रेंजर्स के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप जो कायम करना है, जो बड़े बड़े मंसूबे जो लॉन्च करने हैं, कराची में कचरे का मसला, पानी का मसला, ये तमाम बेशबहा बुनियादी मसाइल हैं, तो क्या हकीकी तब्दीली आने जा रही है कराची के अंदर, सिंध के अंदर, या ये कमिंग इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो सरदारी की लॉन्चिंग के बाद कमिंग इलेक्शंस के हवाले से कोई नई स्ट्रेटजी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, और इस पर भी हम फोकस करेंगे कि क्या इन नए चैलेंजेस को मुराद अली शाह जो नामजद वजीर आला हैं वो बेहतर तौर पर निबर्द आसमा हो सकते हैं या नहीं, और बेहतर तौर पर इनको डील कर पाएंगे या नहीं। सो ये तीन चार बुनियादी सवालात, इनका हम जवाब लेंगे जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से, मरकजी रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बिजनेसमैन हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। सो इसलिए इन दो तीन एरियाज़ पर बात करने के लिए मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ही एक बेहतर कैंडिडेट हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो सर फिलहाल जो सूटेबल कैंडिडेट थे वो तो हमारे सामने आ गए, नामजद वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब, लेकिन सर पहले मुझे इस हवाले से बताइए कि ये जो फिलहाल तब्दीली आने जा रही है सिंध के अंदर, ये हकीकी तब्दीली होगी या सिम्बॉलिक तब्दीली है? लेकिन आदिल पहली चीज़ तो अब ये देखें कि ये तब्दीली की काफ़ी अरसे से बातें हो रही थी, लेकिन इट वॉज ए मेजर डिसीजन, और उसको फिर जब अप्रोप्रिएट टाइम आया एक हिकमत अमली के तहत उसको कल ऐलान किया गया, और ये सिर्फ कॉस्मेटिक अगर है तो इतनी बड़ी चेंजेस करके उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसका एक रोड मैप है, एक हिकमत अमली है जिसके तहत नई टीम ने कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने। मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कायम अली शाह साहब ने अच्छी कारकर्दगी नहीं कही या ये बहुत अच्छे होंगे, हर एक जो हेड ऑफ कमांड होता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। शाह साहब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपीरियंस और उनको एक्सपोजर था, 30 सालों से उन्होंने मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट को, रेंजर्स को और अपोजिशंस को, एमकेएम जलसों को उन्होंने संभाला, एंड ही वाज द कूलेस्ट पर्सन, ठंडे दिमाग के थे, रैश नहीं होते थे, गुस्सा इतना नहीं आता था, और एमकेएम बड़े हॉस्टाइल पार्टनर थे हमारे, ओवर क्वालिफाइड आदमी हैं, इनर्जेटिक आदमी हैं, और इन्होंने ऑलरेडी 10 साल से सीईसी के हमारे मेंबर थे हमारे साथ, तो कोई नया आदमी नहीं है। प्लस ये जब फाइनेंस के मिनिस्टर थे ये डील करते थे एनपीएस से, उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के फंडिंग, उनके बजट की कमी, बजट को बढ़ाना, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब भी मैं उनके पास जाता था अपने विंड पावर के प्रोजेक्ट या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए सिंध में, तो लोग आए हुए थे एनपीए के, जी मेरा बजट काट दिया जी, इससे तो रोड नहीं बनेंगे, इससे तो जी ये ब्रिज जो है जो बनाना था वो नहीं बन पाएगा, इसको बढ़ाएंगे, और बड़े ठंडे दिमाग से वो उनको डील कर रहे थे। तो उनको एनपीएस को डील करने का भी तजर्बा है, उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, एकेडमिक भी बैकग्राउंड है, और चेयरमैन और को चेयरमैन की टोटल सपोर्ट है। बट मिर्ज़ा साहब इसमें ये चीज़ है कि जिस नौयत के सीरियस किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा नए वज़ीर आला को, उसके लिए उसके पास मुकम्मल ऑटोनॉमी, मुकम्मल इख्तियारात होना बड़े ज़रूरी है। सही कहा कि चीफ मिनिस्टर बनाना विदाउट पावर नहीं है, और खाली पावर भी नहीं, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर एक अच्छी डिश बनती है तो उसके मसाले और इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे नहीं बन सकती। इसके इंग्रेडिएंट्स में एक तो इनको फ्री हैंड देना होगा विलिंगली या अनविलिंगली, दूसरे इन्हें टीम चेंज करने का इख्तियार है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं 10 टीम के खिलाड़ियों ने इतनी ज्यादा अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, ठीक है, लिहाजा ये टीम के खिलाड़ियों को बदलने का भी इख्तियार हो, नए लोग लाएं, एनर्जेटिक लोग लाएं,
मिस्टर क्लीन लाए, पार्टी का परसेप्शन और इमेज चेंज हो, सॉफ्ट इमेजेस आए। तो लोग बोले नहीं यार इनके बारे में अच्छा ही सुना है, जैसे मुराद अली शाह के बारे में कह रहे हैं डिलीवरी दे देगा, सही है ना। तो टीम भी अच्छी हो, क्लीन लोग मेरिट पर आए और करप्शन को इन्होंने बिल्कुल कंटेन। तो मिर्जा साहब आपका जो एक्सपीरियंस है, आप पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत और तमाम चीज़ों को भी समझते हैं, बहुत अरसा आपने स्पेंड किया, आप समझते हैं कि पास रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए और फ्यूचर चैलेंजेस को देखते हुए और कमिंग इलेक्शंस जो बहुत करीब है, ये जो लास्ट जुमला आपने कहा है ना वो एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तमाम ऑब्जेक्टिव हासिल भी करेंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं हैंड भी दिया जाएगा क्योंकि आने वाले इलेक्शन में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट पड़ेगा। ठीक है, पिछले इलेक्शन में भी परफॉर्मेंस बेस्ड वोट पड़ा और हमें कई जगह डेंट पड़ा, वोट में कमी हुई। मेरा सवाल यही है मिर्जा साहब कि आप अपना तजुर्बा मद्देनजर रखते हुए और अंदर की सियासत को समझते हुए, जो अंदर पार्टी पॉलिटिक्स है और फ्यूचर चैलेंजेस को देखते हुए, वाकई बाख्तियार मुराद अली शाह होगा इस बार? मेरा पूरा यकीन है मुझे, जो मैं पार्टी का काफ़ी अभी बिलावल भुट्टो साहब से मेरी एक घंटे 1:1 मीटिंग रही है दुबई जाने से पहले, और मुख्तलिफ विंग्स को भी वो एक्टिवेट कर रहे हैं, बिजनेस फोरम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक अफेयर्स जो है हमारी एक लियाज़ॉन उसको भी, तो काफ़ी बातें हुई। मुझे एक बड़ा डिटर्मिनेशन डेडिकेशन नज़र आया, एक रोड मैप नज़र आया। और लावल साहब जब वापस आई थी तो उनकी कुछ प्री रिक्विजिट थे, वो देर में कबूल हुए हैं, माने गए हैं, लेकिन ये उनकी प्री रिक्विजिट थी कि वो टीम को भी सिंध में चेंज करना चाहते थे। ठीक है, तो लेकिन सर इसके अलावा कुछ तहफ़ुज़ात भी हमें देखने को मिले हैं, जैसे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि मुझे इतमाद में नहीं लिया गया, या दूसरे कुछ दलों की जानिब से भी कुछ कंसर्न है। चीज़ हुई मीटिंग से पहले, तो आप समझते हैं ये भी एक सीरियस इशू है कि वो सब खत्म हो गया, वो खत्म हो गया मीटिंग से पहले। खुर्शीद अली शाह साहब से भी अलग मुलाकात हुई और दूसरे जितने निसार को आगस राज बुरानी वगैरह के साथ भी अलग मुलाकातें हुई, और इन तमाम लीडरों को उन्होंने अपने डिसीजन से अनाउंस करने से पहले आगाह किया और उनको उनका कंसेंट उसमें शामिल था। तो ये बातें अब बिल्कुल खत्म हो, ठीक है, तो ये मीनिंगलेस बात नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सर एक व्यू पॉइंट ये भी है कि जैकबाबाद के जो बजरानी हैं, जो लाड़काना के चांडियो हैं या महर हैं या बड़े बड़े जो सियासी ख़ानदान हैं जो बहुत एक अरसे से पीपल्स पार्टी की सियासत में एक उनका मकाम है, वैल्यू रखते हैं, तो वो उनके सामने एक रिलेटिवली नौजवान क़यादत वो आना, तो ये केमिस्ट्री कैसे चलेगी? आप समझते हैं कि आए तो भी यही सवाल आप लोगों ने कहा था, उठाया था कि टू यंग, एक्सपोजर नहीं है, तजर्बा नहीं है, मेच्योरिटी लेवल वो नहीं है जो एक इतनी बड़ी पार्टी का नेशनल लेवल पे चलाने का है। लेकिन अब लावल साहब आस्ते आस्ते आपने देखा कि पॉलिटिकल में डीपली इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और अब डिसीजन मेकिंग में भी वो आ गए हैं। मिर्जा साहब मुझे ये बताएं कि अगर वाकई पीपल्स पार्टी हकीकी तब्दीली चाहती थी सिंध के अंदर, तो वाई इट टुक 3 good years फॉर जरदारी साहब टू डिसाइड कि यार अब जो है वो नया एक नया खून लाना चाहिए, क्या हो जाता तो अच्छा था। लेकिन पहले के हालात में अपने हालात बहुत थे। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो अमली सियासत में जितना एक्टिव रोल हिस्सा ले रहे हैं आदिल, वो पहले नहीं था। पहले तो जरदारी साहब के साए में और लोग कहते थे कि जी रिमोट तो जरदारी साहब के पास है, फिर वहाँ से भी लोग कहने लगे जी जरदारी साहब चला रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि आज से बिलावल साहब ने अपनी भी जो डिसीजन है मनवाने शुरू करे, और ये जो डिसीजन कल हुआ है इसमें बिलावल भुट्टो का एक बहुत बड़ा इंटेक है। ठीक है, तो हालात सर्कमस्टांसेस के साथ साथ बदलते हैं और नई ज़रूरतें सामने आती हैं और उसके ऊपर जितनी जल्दी आप अमल कर लें वो पार्टी के लिए भी बेहतर होता है और सूबे के लिए और मुल्क के लिए भी है। अब सिर्फ जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो सर आप मुझे बताएं अगर बाख्तियार सीएम नहीं आता इन तमाम चैलेंजेस के हवाले से जिसके जिस कॉन्टेक्स्ट में अभी हम बात कर रहे थे, अगर बाख्तियार सीएम ना हुआ मुराद अली शाह, तो आप समझते हैं बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा बिलावल भुट्टो की कैंपेन को भी और आगे आने वाले इलेक्शंस में भी, और जो नया वोटर जो अब सोच रहा है कि शायद वाकई ये हकीकी तब्दीली हो उसकी सोच पर भी ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी हमारी पार्टी के लिए भी, हमारे मुल्क सूबे के लिए भी। अगर इतनी बड़ी सतह के ऊपर उखाड़ पिछाड़ करने के बाद, ठीक है ना, सी एम चेंज करने के, मैंने अपने टोटल हायरार्की चेंज कर, अब कैबिनेट चेंज होगी तो ये पूरी चेंज है करने के बाद
भी अगर आप लोगों की उम्मीदों पर नहीं उतर सके और वो डिलीवरी नहीं दे सके जो आपसे एक्सपेक्टेड है, ये की जा रही है, तो न सिर्फ ये है कि पार्टी का नाम खराब होगा, इमेज खराब होगा, डिसअपॉइंटमेंट खराब होगा, बल्कि जब आप दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो आप भी इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि उनको आप ये बावर करा सकें कि हमने पहले से बेहतर कारकर्दगी का जवाब आपके पास आए हैं, ये हमने डिलीवरी दी है। तो मैं समझता हूँ माजी में जो भी हुआ सो हुआ, ये दो साल पीपल्स पार्टी बड़े क्रिटिकल कंसंट्रेट करने के बाद डिलीवरी के ऊपर फोकस है और उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू। हमारी नज़र में पांच छह इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जिस पे नए वजीर आला को काम करना पड़ेगा और फिर हम कराची के लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात करते हैं। सर, नंबर वन कि नाली करप्शन और मजमूई जो गवर्नेंस है उसके वाले से कोई बेहतर कोई स्ट्रक्चर कोई निज़ाम कोई टीम जो है वो बनानी पड़ेगी। मैं इसके हवाले से आपका व्यू लेता हूँ। कराची में रेंजर्स के साथ किस तरह का वर्किंग रिलेशनशिप रखना है उसके हवाले से, फिर जो डिलीवरी और कारकर्दगी जो इम्प्रूव करनी है ये एक सेपरेट इशू है, ये कैसे करेंगे, कैसे काबीना में कैसे लोग हों और उनका क्या स्ट्रक्चर हो, उनकी कैसी जो है वो प्रोफाइल हो, उस हवाले से काम करना है। फिर कराची में ओवरऑल अमन के हवाले से उस पर फोकस करना है। जो बलदियाती नुमाइंदे हैं फंड्स तो उसके लिए आपने बजट में रख दिए, लेकिन जो पावर और इसके अलावा जो फंड्स जो उनको देने वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। फिर कराची का पानी और कचरा, तो ये 6-7 इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। तो सर ये तो बेख्तियार वजीर आला तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये कह रहा हूँ कि ये तमाम वो चैलेंजेस हैं जो वक्त की ज़रूरत है, जो कराची आईज को का मुतालबा है और उनका बोनिफाइड हक है ये चीज़ों का जो सहूलतें मांगना, लिहाजा ये तो मिनिमम है आदमी, ये तो मिनिमम है कि ये आपने देनी है। लेकिन जो बड़ी प्रोस्पेक्ट में मैं चीज़ देख रहा हूँ वो ज़रा सब आप सुने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है और ये चारों सूबों का प्रोजेक्ट है और सी पैक इज़ नॉट अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान और फॉर द रीजन, इट इज़ अ गेम चेंजर फॉर द वर्ल्ड। ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड उस रास्ते से होगी जो 20-30% सस्ता हो जाएगा लॉजिस्टिक और टाइम भी आधा हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। तो सी पैक पूरे दुनिया के लिए गेम चेंजर है। सी पैक तमाम सूबों से गुजर रहा है, तमाम सूबों के चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर को इतनी एक्टिव इतनी एफिशिएंट इतनी इफेक्टिव फाल होना है कि अपने अपने सूबों में सीपैक के मंसूबों को जहाँ इकोनॉमिक जोन आ रहे हैं वो इकोनॉमिक जोन के लिए प्री रिक्विजिट जो रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली पानी गैस की ज़रूरत है ताकि सरमाकार आके वापस ना जाएँ, वह सरमाकारी हो जाए एग्रीकल्चर जोन हो रहे हैं वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सूबाई हुकूमतों ने उनको फ्राहम कर दिया है। अपने अपने सूबों में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार करके देना है जो सी पैक के मनसूबों को पाए तकमील तक पहुँचा के उसके सम्राट एक आम आदमी तक पहुँचाए। ये है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जब जाके आदमी की एक आम आदमी की जो होती है आप कहते हैं कि किस्मत बदल सकती है और बेहतरी उसकी लाइफ में आपको नज़र आ सकती है और ये आपने नहीं किया तो आने वाले इलेक्शन में आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा टू ऑफर टू द पीपल टू आस्क फॉर द वोट। बिल्कुल ठीक है सर, लेट्स सी के परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ जो सिंध काबीना के अंदर और टॉप लीडरशिप के हवाले से उनकी डिसीजन मेकिंग कुछ दिनों में इस हवाले से पता चल जाएगा, ये टेस्ट केस होगा मुराद अली शाह साहब के लिए। सर अब आगे चलते हैं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से दोबारा ख़राब हो रही है कराची, दो फौजी से मारे गए, इससे पहले अमजद साबरी का जो है वो कत्ल हुआ, ये सर लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा सीरियस मसला है, तो आप इसको कैसे ग्रेड करते हैं? आप समझते हैं कि हमने 10 में से 2 या 3 नंबर हासिल कर लिए हैं अमन के हवाले से या हम बहुत दूर हैं? अच्छा सवाल है आपका। देखिए कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में यकीनन बेहतरी आई है और ज़मीन आसमान का फ़र्क है, नेशनल बेसिस के ऊपर भी ज़रबे अफ्स के तहत बहुत बेहतरी आई है और कराची के ऑपरेशन में भी, लेकिन अभी भी जो टेररिस्ट हैं जो दहशतगर्द हैं जो टारगेट किलर्स हैं वो अपनी मौजूदगी अपनी ज़िंदगी बताने के लिए वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि एक मैसेज ये जाए कि हम अभी ज़िंदा हैं हमारा एक मुकाम है। आपको मैं एक बात ज़रा सा बता दूँ जो बहुत अहम है, फौजी जवानों की गाड़ियों पे हमले एक टारगेट किलर या रैमसम वाला या अगवा करने वाला आदमी नहीं करता,
वो करता है जिसके अजाइम कुछ और होते हैं, वो कुछ और मैसेज देना चाहता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब से अनाउंस हुआ है, बहुत सारी कुवतें खत्ते की, पड़ोसियों की और हमारे मुल्क में जो दुश्मन अनासर हैं उनके ज़रिए मुल्क में बदमनी और अनरेस्ट खराब कर रहे हैं। तो यही मैसेज दिया कि जी अब कराची में अब भी दहशतगर्दी आम है, हम खुले आम दोपहर के वक्त फौजी को जो है वो मार के चले जाते हैं और हमें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन लेकिन मैं आपको ये बतला दूं कि ये चीज मैसेज कराची को क्यों इंतखाब किया जाता है, सबसे बड़ा है कराची को सिर्फ इंतखाब किया जाता है कि बैरोमीटर है, स्टॉक एक्सचेंज की ठक से नीचे आ जाती है इंडेक्स एक न्यूज के ऊपर, ठीक है ना। एक धरने का ऐलान करते हैं अगर कोई तो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाता है। यहाँ पे इकोनॉमिक हब है, बैंक यहाँ पे हैं, 67% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का कराची से जाता है, जीडीपी में इसका 25-30% हिस्सा है। तो कराची को इसलिए सिलेक्ट किया जाता है कि इंटरनेशनल सिटी है, दुनिया में मारूफ है और दुनिया में प्रसप्शन खराब होता है, यही दुश्मन के अजाइम होते हैं। ठीक, हमें ये चाहिए कि अपने शहर कराची को हम जल्द से जल्द जो है इन दहशतगर्दों से आजाद करें ताकि मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आए। फौज ने काम करके दिखाया, कराची में अमन काफी बहाल हुआ है, इक्का दुक्का वाकया दोबारा से हुए हैं और शायद जिस जंग का हम सामना कर रहे हैं उसमें मजीद पाकिस्तानियों को कुर्बानियां भी देनी पड़े, क्योंकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जब आप देखेंगे तो ये चीजें चलती हैं। लेकिन सर मुझे बताएं कि हम पुलिस को रिफॉर्म्स कब करेंगे, पुलिस के अंदर रिफॉर्म नहीं आएंगी, कैपेसिटी हम बिल्ड नहीं करेंगे, पिछले 8 वर्षों में सिंध हुकूमत ने सर कुछ नहीं किया। ये पुलिस की जब मैटर डिस्कस हुआ था हाईएस्ट लेवल पे जिसमें जनरल राहिल शरीफ साहब भी थे, तो 2-3 चीज़ें तय हो गई थी कि पुलिस को डिपोलिटिसाइज किया जाए, पुलिस में सियासी बुनियादों पर जो भर्तियाँ हुई हैं वो उनकी मेरिट को बुरी तरह से मुतासर कर रही हैं, एक ये किया जाए, और कराची को असला से पाक किया जाए। अब पुलिस के लिए यह तय हुआ था कि 20,000 जो नौजवान नए चाहिए थे वो फौज ने उनकी भर्ती करनी थी, फौज ने उसकी फिजिकल फिटनेस लेनी थी, फौज ने उनका बैकग्राउंड देखना था कि ये भत्ता खोर तो नहीं है, किसी जमात के लिए खाले तो नहीं जमा करता, या ये एक नौजवान है और एक खिदमत के जज्बे के तहत पुलिस को ज्वाइन कर रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम था और मैं समझता हूँ उस पर सिंध एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर साहब, एमएलए शाह साहब, ये सब तैयार भी हो गए, चौधरी निसार ने स्टेटमेंट भी दी और डिटेल उसके वाले से। इस तरह के स्टेप्स लें जो लॉन्ग टर्म है कि पुलिस को डीपॉलिटिसाइज किया जाए, सियासी बुनियादों से अलहदा रखें, उसका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, उसने अपना दिल को धड़कना किसी एक जमात के झंडे पे या एक जमात के नारे पे नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ पूरे सूबे और पूरे मुल्क का जो है उसे तहफ्फुज़ और एक महाफिज के तौर पे। अभी सर देख लें, छोटी सी बात है कि पार्किंग प्लाजा के करीब ये वाकया हुआ है और वहाँ CCTV कैमरे नहीं चल रहे, तो पॉइंट ये है कि कराची में आप 15,000-20,000 CCTV कैमरे क्यों नहीं लगा सकते। अभी तक हमने हमारे पास 1,500-2,000 यहाँ कैमरे लगे, उसमें मेजॉरिटी नहीं चलते, तो पॉइंट ये है कि बड़े सीरियस किस्म के ये इशूज़ हैं और इसमें ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, तो क्या मुराद अली शाह साहब इस तरह के बोल्ड स्टेप आकर लेंगे आते ही कि जी पुलिस को रिफॉर्म करें, इंटरफेरेंस पाक पर? लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि होम मिनिस्टर के भी चेंजेस, होम मिनिस्टर चेंज हो गया है, वो कह रहा है कि निसार खोड़ो साहब आ जाएंगे और सिटी गवर्नमेंट के लिए लोग बात कर रहे हैं आगा सराज दुरानी की, और स्पीकर के लिए भी बात की जा रही महेंद्र साहब की, तो ये सब अभी बातें हैं। लेकिन जब इंशाल्लाह जुम्मे को इजलास होकर चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे तो वो अपनी टीम बनाएंगे और एडवाइजर्स वगैरह भी होंगे और काफ़ी रिशफल होंगे, आप देखिएगा उसको। तो उसमें मेरी दुआ यह है और मैसेज भी ये है, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मुराद अली शाह साहब, कि हमने हमारे पास कुछ चॉइस और ऑप्शन नहीं है, आप आए हैं एंड एक विजिबल चेंज देखने के लोग बेचैन हैं, आप जब अपनी टीम को नई बनाएं तो मेरिट का ख्याल हो, उसमें करप्ट लोग ना हो, मिस्टर क्लीन हो। तो सर इसका मतलब ये है कि क्योंकि बिलावल साहब उस वक्त लीड करने की पोजीशन में नहीं थे, अब आए हैं, इलेक्शन भी करीब है, तो क्योंकि पीपल्स पार्टी का मफाद है तो इसलिए ये बड़े फैसले किए जा रहे हैं। तो सर जो कराची में जो आम बंदा मरा है, हज़ारों बंदे जो मरे हैं, यहाँ पे करप्शन भी हुई, यहाँ पर हमने इदारे भी नहीं बनाए, अरबों पैसा यहाँ से लूट के बाहर भी ले गए, तो सर उसकी कीमत कराची के आम शहरी क्यों अदा करें सर? तो ये फैसला तो बहुत पहले होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो, लोग बंद हुए हैं,
लोग हथकड़ियाँ लगा के आते हैं अपने दहशतगर्दी की अदालतों में, बैंकिंग कोर्ट्स में, दूसरी अदालतों में, और आना चाहिए। और कल भी मैं देख रहा था टीवी पे कि सियासी लीडर, मिनिस्टर्स, एडवाइज़र जेल भेजे गए हैं। ये देखें तो या तो खौफ से काम होता है या शौक से होता है। हमारे यहाँ शौक तो है नहीं, तो हमारे यहाँ दूसरा ऑप्शन जो है वो खौफ ही है कि आप इतनी इबरतनाक सज़ा दें कि आदमी की जरूरत ना हो गलत काम करने। तो सर कानून होगा तो खौफ आएगा ना? नहीं नहीं, देखिए ना, और ना कानून पे अमल दरामद है। देखिए नया जब कैप्टन जहाज का आता है तो वो फिर अपने रूल सेट करता है, उसकी प्रायोरिटी तरजीहात भी फिर अपनी होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुराद अली शाह साहब ये कभी भी नहीं कहलवाने जाएंगे कि जब पहली जैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी ये तो उससे भी ख़राब है या वही एडमिनिस्ट्रेशन है। आई डोंट थिंक सो, एक पर्सन ऑफ दैट कैलिबर विजिबल चेंज नजर आएगा। पूरी सियासी कैरियर जो स्टेक पे लगा हुआ है। ठीक है, तो सर टूवर्ड्स दी एंड आप समझते हैं कि दो बुनियादी फैक्टर्स अगर बेहतर तौर पर मुराद अली शाह साहब एड्रेस कर लें तो एक विजिबल डिफरेंस सिंध के अंदर नज़र आ सकता है, एटलीस्ट जो मैं सोच रहा हूँ। सर एक ये कि रेंजर के साथ वर्किंग रिलेशनशिप अगर अच्छा हो जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं, ये खींचातानी जो है वो पावर की और ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। और दूसरा गवर्नेंस बेहतर कर लें, तो आप समझते हैं इन दो एरियाज पर अगर फोकस किया जाए तो कराची, सिंध और इसके अलावा जो अमन अमान की जो सूरत हाल है, ओवरऑल और दहशतगर्दी की सूरत हाल है, वो बेहतर हो सकती है? बिल्कुल, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बिल्कुल रेंजर के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ठीक है के ऊपर जाना होगा और मेरिट को टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। करप्शन इतना लोग सुन के थक चुके हैं, खुदा के वास्ते पे करप्शन को उखाड़ के फेंक दें। दो साल आपके पास हैं, इस दो साल अब एक चेंज नज़र आए और चेंज जब आता है तो महसूस किया जाता है। मैं समझता हूँ ग्लोबल वोटर जरदारी साहब की गाइडेंस में और जरदारी साहब की गाइडेंस में मुराद अली शाह साहब हमारी उम्मीदों पे काफ़ी हद तक पूरा उतरे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब बहुत शुक्रिया मेजबान करने का, बहुत शुक्रिया। भैया साहब हमारे साथ मौजूद थे मिर्ज़ा इख्तियार बेग, मरकजी रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बिजनेस मैन हैं, इकॉनमी को भी बेहतर तौर पर समझते हैं। तो भैया साहब हमने इसी नुक्ते नज़र के हवाले से बात की कि जो तब्दीली आ रही है सिंध की सियासत में और जो हलचल मची है कि नौजवान की आदत को अब सामने लाया जाए, इलेक्शन भी है, पीपल्स पार्टी के पर्सनल जो स्टेक्स हैं वो भी लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टेक जो है वो अवाम का है, वो पाकिस्तान का है और वो कराची का है। कराची में अमन होगा, कराची में बेहतर गवर्नेंस और स्ट्रक्चर और बलदाती नुमाइंदों को इख्तियार दिए जाएंगे और रेंजर के साथ अच्छे रिलेशनशिप और ये तमाम चीज़ें रखी जाएंगी, तो डेफिनेटली एक बड़ी तब्दीली हमें नज़र आ सकती है। बहरहाल नए जो नामजद वज़ीर आला है मुराद अली शाह आज जुम्मे के रोज़ अपना हलफ उठाएंगे, तो अगर हकीकी तब्दीली हमें नज़र ना आई और जिसका हमें रिफ्लेक्शन अगले चंद हफ्तों में ही नज़र आ जाएगा कि मुराद अली शाह कितना डिलीवर करते हैं और सिर्फ एक चीज़ पर मुनसर है कि जरदारी साहब उन्हें कितना बाख्तियार वज़ीर आला बनाते हैं, कितनी ऑटोनमी देते हैं। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।